Module Five: Child Developmental Psychocognitive Stages. Uh, Psychocognitive stages has been proposed by uh, Piaget with the belief that as the child grows, his or her brains develop, and the child has passed through different cognitive stages. Why? Because the child, uh, when the child brains develop, he or she has been started uh, to learn new things and Uh, when he or she is started to learn new things that mean that the thought processing is started to be different सो so, अगर एक बच्चा है जब वो पैदा हुआ है तो जो थाट प्रोसेस उसका पहले दो साल में होगा डेफिनेटली वो थाट प्रोसेस दूसरे से तीसरे या चौथे साल में नहीं होगा तो द प्याजिया ऑब्जर्व दैट थिंग के जो बच्चे होते हैं वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब मूव करते हैं कॉगनेटिवली तो उनके थॉट पैटर्नस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं इसी बेसिस पे पियाजे ने फोर एजेस दी आ, फोर स्टेजेस दी थी किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आ, जो कि उसने नेम की थी सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो ईच स्टेज के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और बच्चे की लर्निंग जो है वो भी डिफरेंट होती है सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ टू टू इयर्स के दर दरमियान में डेवलप होती है और इस दौरान जो बच्चा होता है वो अपनी सेल्फ को डिफ्रेंशिएट कर पाता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स वट डज दैट मीन कि जो बच्चा है वो ये देखता है कि जो चीज़ें हैं वो एक्शन है, कर रही हैं वो मूव कर रही हैं वो उनको मूव कराने की कोशिश भी करता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से जो नॉइसेस हैं साउंड्स हैं वो भी डेवलप करने की कोशिश करता है और उसको ये भी सेंस जो है वो डेवलप हो जाती है कि अगर एक चीज़ उसके सामने पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा देर तक एग्जस्ट नहीं करती यानी उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो सकती है आपने अक्सर देखा होगा कि आप बच्चों को ये कहते हो कि अच्छा वो चीज़ जो है वो चली गई है यहाँ से या इनफैक्ट वो चीज़ वहीं होती है मगर आप उसे हाइड करते हो तो द चाइल्ड हैज़ गॉट द आइडिया कि अच्छा ये चीज़ जो है ये फर्दर एग्जस्ट नहीं कर रही Uh, तो इस किस्म की जो uh, उसकी थाट्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं इन बिटवीन बर्थ टू टू ईयस दैन द प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि दो से सात साल के दरम्यान जो है वो डेवलप होती है इस दौरान जो बच्चा है वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज लर्न करता है और इसके साथ साथ अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है थ्रू इमेज एंड वर्ड्स अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बच्चे की सारी कम्युनिकेशन uh, है वो ईगोसेंट्रिक होती है यानी वो हर चीज़ को अपनी सेल्फ के साथ रिलेट करता है और इस वक्त बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप नहीं हुई होती कि वो दूसरे शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और इस दौरान वो बहुत सी चीज़ों को जो कैटेगराइजेशन है वो मल्टीपल फॉर्म में नहीं कर सकता बल्कि सिंगल फॉर्म जो है वो यूजअली वो यूज़ कर रहा होता है दैन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दैट इज़ बिटवीन सेवन टू अलेवन ईयर्स ये वो स्टेज होती है जहाँ बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डवेलप हो जा होना शुरू हो जाती है और वो जो रीजनिंग है ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो किसी हद तक देना शुरू आ, कर देता है इसी टाइम फ्रेम के अंदर वह जो कॉन्सेप्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ नंबरस का मैथ का और वेट का वो डिवेलप हो जाता है अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको ये कहोगे कि ये दो ग्लास पानी के हैं ठीक है और इसको आपने एक बड़ी बॉटल में डालना है तो उसको ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि बॉटल का साइज़ चूँकि चेंज हो गया है इसलिए ये दो ग्लास जो हैं वो उसके अंदर चले गए हैं लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सेम रहेगा इसी तरह अगर आप उसको दो क्ले बॉल्स दिखा रहे हो और दो जो हैं वो राउंड में हैं और उसके बाद आप एक राउंड में कर देते हो और एक को आप लॉन्ग कर देते हो तो उस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो क्ले का अमाउंट है मटेरियल का दैट इज सेम और ये सिर्फ जो है उसकी जो शेप है वो चेंज हुई है इसी तरह अगर ट्वेल्व बिस्किट्स हैं और आपने उनको इकट्ठा रखा हुआ है और अगर फिर आप उसे सपरेट करके उसके सामने रख देंगे तो उसको ये कॉन्सेप्ट होगा कि ये नंबर ऑफ बिस्किट सेम है सिर्फ वो सपरेट करके रखे हुए हैं दैट्स दाटवा कि वो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उस वक्त बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाता है और इसी टाइम पीरियड में जब वो चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करता है तो वो मल्टीपल डायमेंशनस कर में करने की एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो चुकी होती है और वो उनको डिफरेंट तरह से कैटेगराइज कर सकता है देन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये अलेवन ईयर्स एंड अप में जाती है और इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो चुकी होती है वो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है वो डिफ़रेंट किस्म के हाइपोथेसिस uh, सोचता है और वो डिफरेंट बातों को एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना चाहता है उनकी रीजनिंग डेवलप करता है और उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी होती है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि उसने जो अपना फ्यूचर है उसे डिज़ाइन करना है और उसके बारे में सोचना है दैट्स वे जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी होती है और उस दौरान वो डिफ़रेंट किस्म के आर्गूमेंट जो है वो भी करता है और उसको अंडरस्टैंड भी करता है और उसको रीजनिंग से डिफेंड भी करता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज